नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र गुप्ता के फिल्म सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे हिंदी फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है रणदीप हुड्डा, आनंद पंडित और संदीप सिंह ने। ये बायोग्राफी है स्वतंत्रता वीर सावरकर की, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है खुद रणदीप हुड्डा ने, जो इसमें टाइटल रोल कर रहे हैं वीर सावरकर का। बात करते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट की। ये बायोपिक है वीर सावरकर की, जिनके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। सिर्फ इतना जानते हैं कि सावरकर साहब को काले पानी की सजा दी गई थी। बात करते हैं एक्टिंग की। रणदीप हुड्डा ने कमाल का रोल किया है, हर सीन में उनकी प्रभावशाली अभिनय की क्षमता नजर आती है। उन्होंने इस रोल के लिए 30 किलो तक वजन अपना कम किया था। उनकी पत्नी के रोल में अंकिता लोखंडे और बाकी कलाकारों में जिन्होंने रोल किया है, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, भगत सिंह, गंगाधर तिलक, गोखले, नाथुराम गोंडसे, जिन्ना, सभी ने अच्छी तरह से एक्टिंग की है। गांधी के कैरेक्टर में राजेश खेरा का अभिनय प्रभावशाली है। डायरेक्शन, इस फिल्म को पहली बार डायरेक्ट किया है फिल्म के हीरो रणदीप हुड्डा ने। एक्चुअली पहले इसे डायरेक्ट कर रहे थे महेश मांजरेकर, लेकिन स्क्रिप्ट के दौरान महेश मांजरेकर और रणदीप हुड्डा में क्रिएटिव डिफरेंस आ गया, लिहाजा महेश मांजरेकर ने ये फिल्म छोड़ दी। उसके बाद रणदीप हुड्डा ने काफी रिसर्च की और पूरी जान लगा दी इस फिल्म को बनाने के लिए। और जब आनंद पंडित और संदीप सिंह ने जो बजट दिया था वो खत्म हो गया था, तो पैसे नहीं थे पूरी पिक्चर को करने के लिए। लिहाजा कहते हैं रणदीप हुड्डा ने अपनी जमीन, घर, बार गिरवी रख के इस फिल्म को पूरा किया। खैर, कुछ भी हो, रणदीप हुड्डा का डायरेक्शन बतौर पहली बार काफी अच्छा बन पड़ा है। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, इस फिल्म को लिखा है रणदीप हुड्डा और उत्कर्ष नेथानी ने। फर्स्ट 90 मिनट्स थोड़े बोरिंग है, थोड़ा खींचा गया है सब्जेक्ट को, लिहाजा लोग उकता जाते हैं, लेकिन सेकंड हाफ काफी अच्छा बन पड़ा है। फिल्म के ज्यादातर डायलॉग्स इंग्लिश में हैं और इतने प्रभावशाली नहीं है। कई जगह आप ताली बजाने को मजबूर होते हैं, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म नहीं, तो डायलॉग एक कमजोर पक्ष है। और स्क्रीन प्ले काफी कंफ्यूजिंग है, पहले 20-25 मिनट में आपको समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है। और चूंकि पूरी फिल्म वीर सावरकर के एंगल से लिखी गई है, इसीलिए जो बाकी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, भगत सिंह, नाथुराम गोडसे, जिन्ना, उनके हिस्से मुश्किल से एक एक दो दो मिनट का किरदार आया है, इसीलिए ये फिल्म उनको पूरी तरह से न्याय नहीं दे पाती। आपको एक ही एंगल से फिल्म देखनी पड़ती है जो वीर सावरकर बोल रहे हैं। संगीत, इस फिल्म में संगीत दिया है अनु मलिक और विपिन पटवा ने, लेकिन एक भी पेट्रियोटिक या हिट गाना नहीं है, जो कि ऐसी फिल्मों में जरूरी होता है। एडिटिंग, क्योंकि फिल्म की लंबाई ऑलमोस्ट 3 घंटे है, इसलिए लंबाई अखरती है, काश कि इसे छोटा किया जाता। बाकी फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू काफी अच्छी है, फिल्म के सेट्स काफी जेन्युइन नजर आते हैं, आपको पीरियड दिखाया गया है 1883 से लेकर 1966 तक का, और काफी मेहनत की है आर्ट डिपार्टमेंट ने एक एक बारीकियों पर नजर रखते हुए। डायरेक्टर ने कन्फ्रंटेशन सीन जो वीर सावरकर के और गांधी जी के हैं, उनको अच्छी तरह से फिल्माया है, और ये पूरी फिल्म हिंदुत्व के एंगल से नजर आती है। इस फिल्म में आपको महात्मा गांधी विलेन नजर आएंगे और आप कांग्रेस से भी नफरत करने लगेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में इस फिल्म पर कई सारे राजनीतिक दल मुकदमा कर दें। यकीनन इस फिल्म की रिलीज के बाद डिबेट शुरू हो जाएगी कि सच्चा कौन है। वैसे वीर सावरकर को ये भी कहते हैं कि उन्होंने जेल से माफी मांगी थी अंग्रेजों से कि उन्हें छोड़ दिया जाए। बॉक्स ऑफिस, चूंकि फिल्म महंगी बनी है और एक लिमिटेड क्लास कॉपी करती है, मास ऑडियंस के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, और वीर सावरकर हमारी कोई नेशनल आइकॉनिक हस्ती नहीं है कि लोग उन्हें देखने जाएं, उनकी प्रेजेंस महाराष्ट्र में ज्यादा है। फिल्म को बहुत ही कमजोर ओपनिंग मिली है, यह अलग बात है कि फिल्म को रेटिंग क्रिटिक्स अच्छी देंगे। तो जो क्लास ऑडियंस है, जिन्हें कुछ डिफरेंट सिनेमा देखना है, एक हिस्ट्री देखनी है जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, वो यकीनन वीर सावरकर को पसंद करेंगे। मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 2.5। फ्राइडे फर्स्ट डे का कलेक्शन होगा करीब 1 करोड़, जो कि काफी कम है, और मंडे से फिल्म डेफिनेटली स्ट्रगल करेगी बॉक्स ऑफिस पर, इसीलिए ये प्रोड्यूसर के लिए घाटे का सौदा साबित होगी। मडगांव एक्सप्रेस, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर ने और रितेश सिद्धवानी की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने। लिखा और डायरेक्ट किया है कुणाल किमू ने, जो एक्टर रह चुके हैं। आइए बात करते हैं प्लस पॉइंट की। एक्टिंग, फिल्म के सभी कलाकारों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। देवेंदु, प्रतीक गांधी, अविनाश तिवारी, नोरा फतेही, उपेंद्र लिमे, छाया कदम और बाकी सपोर्टिंग आर्टिस्ट। चूंकि ये साफ सुथरी डिसेंट कॉमेडी फिल्म है, जिसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ देख सकते हैं और आपको फुली तरह से एंटरटेन करती है।
डायरेक्शन, इसे डायरेक्ट किया है कुणाल खेमू ने और ये बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म है। इस फिल्म को लिखा भी उन्होंने है। एक डिफरेंट कहानी है, तीन दोस्तों की कहानी है, लेकिन फिल्म में आपको वो बात नजर नहीं आएगी जो एक्सेल की फिल्म दिल चाहता है या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की थी। फिर भी आपको एक डिसेंट एंटरटेनमेंट देने में फिल्म कामयाब रहती है और कुणाल खेमू डेफिनेटली बधाई के पात्र हैं कि ऐसे जमाने में जब बेमतलब की मारधाड़ वाली फिल्में, बायोपिक और प्रोपेगेंडा फिल्में आ रही हैं, ऐसे माहौल में एक साफ सुथरी डिसेंट फिल्म आना एक बहुत बड़ी बात है। म्यूजिक, फिल्म में 5-5 संगीतकार हैं लेकिन एक भी गाना हिट नहीं है। शारिब तोशी, अंकुर तिवारी, खुद कुणाल खेमू, सागर देसाई, समीर, अजय अतुल, ढेर सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं लेकिन ये महान हस्तियों ने एक भी अच्छा गाना दिया नहीं। एडिटिंग, फिल्म की लंबाई है करीब 2.5 घंटे और एडिटिंग काफी डिसेंट है और आपको बांधे रखती है। जहाँ फिल्म में ढेर सारे प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट भी कई सारे हैं। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है फेस वैल्यू। एक्टिंग में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है जो ऑडियंस को थिएटर तक खींच सके। हिट म्यूजिक की कमी है। पूरी फिल्म में कॉमेडी नहीं है, लगातार कॉमेडी चाहिए थी वो बीच बीच में डिप होती है और ये काल्पनिक कहानी है इसीलिए बहुत से लोग इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। बॉक्स ऑफिस, प्रोड्यूसर को यकीन हो गया था कि स्टार कास्ट वीक है इसीलिए लोग थिएटर तक नहीं खींचे आएंगे, लिहाजा फर्स्ट डे फर्स्ट शो से एक पर एक टिकट का ऑफर दे दिया गया। उसके बावजूद ओपनिंग बहुत ही खराब थी और आज का फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा 1 से 1.5 करोड़ के बीच, तो बॉक्स ऑफिस पर डेफिनेटली ये लूजिंग फिल्म रहेगी। चूंकि साफ सुथरी डिसेंट कॉमेडी फिल्म है, मेरी इस फिल्म को रेटिंग है 2.5। टीपी अग्रवाल जी का स्टार प्रीव्यू थिएटर, लोखंडवाला में एक शानदार प्रीव्यू थिएटर शुरू हुआ है जो पूरी तरह से डॉल्बी से सुसज्जित है। इसकी कैपेसिटी है 51, बहुत ही अच्छा एम्बियंस है। इसमें आप प्रेस शो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, म्यूजिक लॉन्च, ट्रेलर लॉन्च वगैरह कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली है और रीजनल फिल्म को विशेष डिस्काउंट की सुविधा भी है। उम्मीद है आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। वेलकम टू स्टार प्रीव्यू थिएटर। आप सभी का शुक्रिया चैनल देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।